स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में और मैं हूं रवि रंजन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक वेबसाइट अपना डेवलप करना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा वेब होस्टिंग है जिसे आपको लेना चाहिए, कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। मैं आपको तीन ऐसे कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि बेस्ट है, इंडिया में सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है, अच्छी स्पीड आपके वेबसाइट को प्रोवाइड करेगी। बिकॉज जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। हम जिस कंपनी से अपना वेबसाइट होस्ट करवा रहे हैं या वेब होस्टिंग ले रहे हैं, उनका सर्वर अगर यूज कर रहे हैं, डोमेन हम परचेज कर रहे हैं, तो क्या वो बैकएंड में हमें सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, क्या हमारे वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन करके रख रहा है उनका सर्वर, SSL की सपोर्ट मिल रही है हमारे वेबसाइट को, ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर हमें बनाना है तो उस पे भी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो काफी सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, SSD ड्राइव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें बैकएंड में 24/7 कस्टमर सर्विस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही हमें कंपनी को सेलेक्ट करना होता है कि हम किस कंपनी के साथ जाएं, किस कंपनी से हम अपने वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज करें और होस्टिंग परचेज करें। बिकॉज जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है, डोमेन यानी कि आपका नाम, मान लेते हैं XYZ आपने अपना नाम रखा, या फिर जैसे हमारी YouTube चैनल का नाम है ऑनलाइन टेक वर्ल्ड, तो इसका भी एक वेबसाइट है onlinetechworld.in के नाम से। तो हमें नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबसे पहले तो ये अपने वेबसाइट का नाम तो हमने ले लिया, डोमेन परचेज हमने कर लिया, नाम के साथ जो वेबसाइट पे डाटा होगा उसको होस्ट करने के लिए होस्टिंग भी परचेज करनी पड़ती है, यानी कि आपको एक स्पेस परचेज करना पड़ता है या फिर रेंट पे लेना पड़ता है जहां पर आप अपने वेबसाइट इमेज हो गए, टेक्स्ट हो गए या फिर वीडियो हो गए या फिर अपने PDF फाइल्स वगैरह हो गए, जो भी आप अपने वेबसाइट पे डालना चाहते हैं उसको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से तो वेबसाइट को रन करेंगे नहीं, उसको होस्ट करेंगे नहीं, तो एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है जो एक हाई स्पीड होस्टिंग हमें प्रोवाइड कर सके। तो जो कंपनी हमें सस्ते में डोमेन प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी हमें सस्ते में और हाई स्पीड में जो है सर्वर प्रोवाइड कर रहा है यानी कि होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ हम जा सकते हैं। बिकॉज एक बार वेबसाइट बनाने में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, डोमेन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, होस्टिंग लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिर जो वेबसाइट का डिजाइन होगा उसको डिजाइन करने के लिए भी हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जब हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है एक अच्छी कंपनी के साथ ही जुड़ के हमें काम करना है कि कल को हमारा वेबसाइट डाउन ना हो जाए, हमारा वेबसाइट हैक ना हो जाए, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो आज मैं आपको तीन ऐसे कंपनी के बारे में बताऊंगा, काफी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका जो बैकएंड सपोर्ट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी सारे लोग जो है इसको यूज करते हैं और काफी अच्छा इनका रिव्यू है। पर्सनल लेवल पे मैं भी इन तीनों कंपनियों को यूज करता हूँ अपने वेब होस्टिंग के लिए और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, हर कंपनी में कुछ निगेटिव्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दूंगा कि किस कंपनी में निगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। उसके बाद आप आसानी से जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं या फिर उस कंपनी के साथ अपना वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे जो कंपनी है वो है नेमचिप। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपको काफी सस्ती होस्टिंग वगैरह मिल जाएगी, डोमेन वगैरह मिल जाता है। बेसिकली नेमचिप अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर आपका कोई हेवी काम नहीं है, इमेज वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह नहीं बना रहे, तो आप नेमचिप के साथ जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ब्लॉगिंग करना है, अगर आपने लैंडिंग पेज बनाना है जिसमें 4-5 या 10 पेज तक है, तो आप नेमचिप के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको
काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अच्छे ऑफर्स लेकर आते रहते हैं। होस्टिंग और डोमेन दोनों ही काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, तो मैं आपको सीधा इसके प्राइस लिस्ट के ऊपर लेके आता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप Shopify के साथ काम करते हैं, अच्छे से सिंक्रोनाइज हो जाता है Shopify के स्टोर के साथ, यानी कि अगर आप यहाँ से डोमेन लेते हैं, आपको होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर Shopify पे काम करते हैं, आपको सिर्फ डोमेन लेना है, तो डोमेन यहाँ से काफी इजीली जो है Shopify स्टोर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी कि कनेक्ट हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकायदा प्रॉपर ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब पे मिल जाएंगे या फिर Namecheap के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे, इनके फोरम पे आपको मिल जाएगा, हेल्प सेंटर में भी आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इनके कस्टमर केयर को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो फुल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं भी अपने Shopify के जो स्टोर्स हैं वो Namecheap से ही डोमेन परचेज करता हूँ आज तक, क्योंकि कई बार मुझे काफ़ी अच्छा ऑफर मिल जाता है। मैं होस्टिंग के लिए नहीं यूज करता हूँ, मैं सिर्फ डोमेन परचेज करने के लिए Namecheap यूज करता हूँ। इनके प्राइसिंग के यहाँ पर आपको तीन कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। नंबर वन जो है स्टेलर है, जो कि 164.16 पैसे पर मंथ आपको चार्ज करेगा और उसमें आपको डोमेन नेम मिलेगा, 3 वेबसाइट होस्ट करने का परमिशन मिल जाएगा, 20 GB SSD भी इसमें आपको मिलता है, 30 डोमेन बेस मेल बॉक्स आप बना सकते हैं। तो जनरली अगर आप छोटा वेबसाइट या ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आप स्टेलर प्लान के साथ जा सकते हैं। दूसरा इनका पॉपुलर प्लान है, जो कि 247.06 रुपीज़ पर मंथ ये चार्ज करते हैं और इसमें आपको डोमेन नेम, अनलिमिटेड वेबसाइट, आप इस होस्टिंग के साथ अनलिमिटेड वेबसाइट आप लिंक कर सकते हैं, अनलिमिटेड SSD आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड डोमेन बेस्ड मिल जाएगा, मेल बॉक्स जो है वो मिल जाएगा, ऑटो बैकअप का भी फीचर मिल जाता है। तो मुझे ऑटो बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मैं Shopify के साथ जब काम करता हूँ तो मैं ये यूज करता हूँ, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा बैकअप होता है, तो मैं हमेशा स्टेलर के साथ ही जाता हूँ। स्टेलर बिजनेस जो है वो आपको 412.88 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसमें भी डोमेन नेम आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट मिल जाता है, 50 GB SSD स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है, अनलिमिटेड डोमेन मेल बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ऑटो बैकअप एंड क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको डिस्क के साइज, अप टाइम, होस्ट, डोमेन वगैरह, ये सारी टेक्निकल डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और ये काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनका बैकएंड मैंने जैसे कि बताया कि काफ़ी अच्छा है और पर्सनल लेवल पे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। हमारे लिस्ट में सेकेंड नंबर पे है होस्टिंगर। होस्टिंगर पर मेरा onlinetechworld.in जो है वो होस्ट किया हुआ है, यानी कि होस्टिंगर पे ही हमने उसका डोमेन भी परचेज किया था और उस वेबसाइट को होस्ट भी कर रखा है। तो अगर आप onlinetechworld पे जाओगे, onlinetechworld.in पे अगर आप जाते हो, तो ये वेबसाइट जो है ये एफिलिएट का वेबसाइट है, इसमें डाटा काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपडेट होता रहता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, और इसमें इमेज भी होते हैं, टेक्स भी होते हैं, कॉल टू एक्शन भी इसमें ऐड किया गया हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस वेबसाइट में हमने ऐड किया हुआ है। तो इसके लिए हमें एक हाई स्पीड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आप देखोगे तो ये वेबसाइट काफ़ी तेज़ी से ओपन होता है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लाइट है, लेकिन काफ़ी सारा डाटा होने के बावजूद भी, काफ़ी सारे इमेजेस होने के बावजूद भी ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा है, फास्ट है। तो उसके लिए हमने होस्टिंगर यूज किया था, बिकॉज उस समय होस्टिंगर्स के प्लान्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छा डील हमें मिल रहा था, और होस्टिंगर पे आपको बहुत सस्ते डोमेन मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते होस्टिंग मिल जाती है, और होस्टिंगर पे आपको पर्सनल
होस्टिंग भी मिल जाएगी और शेयर होस्टिंग भी मिल जाएगी। मैंने इसके लिए फुल होस्टिंग ले रखी थी, मैं शेयर होस्टिंग मैंने अवॉइड किया था बिकॉज इस वेबसाइट को मुझे लंबे टाइम तक चलाना है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप शेयर होस्टिंग के साथ भी जा सकते हो। और होस्टिंगर जो है ये 2007 में स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद जो है आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट नोन ब्रांड में से एक है। अगर कोई वेब पे काम करता है, वर्डप्रेस पे काम करता है, होस्टिंगर को सबसे पहले प्रीफर करता है। तो इसमें भी आपको अलग अलग प्लान्स मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे सिंगल वेब होस्टिंग अगर आप यूज करते हो तो 69 रुपीज ओनली पर मंथ आपका कॉस्ट पड़ेगा, जिसमें आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। 50 GB का SSD स्टोरेज आपको मिलता है, 10,000 मंथली विजिट अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो उसको ये आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आपको अलग प्लान्स लेने पड़ेंगे। 1 ईमेल अकाउंट आपको मिलेगा, 100 GB बैंडविड्थ मिल जाता है, 2 डाटाबेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में ही आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अनलिमिटेड फ्री SSL भी मिल जाता है, जो कि गूगल की आज के डेट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके वेबसाइट में SSL लगा होना चाहिए। और क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। साथ में फ्री बोनस में वेबसाइट बिल्डर मिल जाते हैं, वीकली बैकअप मिल जाता है। आप बताओ यार, 69 रुपीज में बच्चे की जान लोगे, सब कुछ दे रहा है ये। इसमें वर्डप्रेस स्टिंग टूल आपको नहीं मिलता है, लेकिन वर्डप्रेस आपको मिल जाता है। सर्विस एंड सपोर्ट, 30-डे मनी बैक गारंटीज भी होस्टिंगर आपको दे रहा है, जो कि और कोई नहीं देता। साथ में 24/7 सर्विस सपोर्ट आपको मिल जाता है, 99.90% अप टाइम गारंटी है, यानी कि इनके सर्वर डाउन नहीं हो पाएंगे। 0.1% का ये चांस है कि कभी सर्वर डाउन हो गया, बट वो भी ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा। सेम एज इट इज आपको प्रीमियम होस्टिंग और बिजनेस होस्टिंग दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। तो ओवरऑल ये 3 टाइप के पैकेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो प्रीमियम होस्टिंग 149 का आता है, बिजनेस वेब होस्टिंग जो है वो 249 का आता है। और अगर आप प्रीमियम होस्टिंग में जाते हो तो 100 वेबसाइट आप रन कर सकते हो और 100 GB का SSD स्टोरेज आपको अलग से मिल जाता है। 25,000 विजिट पर मंथ की अगर ट्रैफिक है आपकी तो उसको आसानी से ये हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो ऑफ कोर्स आपको जो है बिजनेस वेब होस्टिंग में जाना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा होस्टिंग प्लान चाहते हो तो आप 249 के साथ भी जा सकते हो, जिसमें 100 वेबसाइट और 200 GB SSD मिल जाता है, 1 लाख मंथली विजिट जो है उसको हैंडल कर लेता है। बट मैं रेकमेंड करता हूं अगर आप होस्टिंगर के साथ जाते हो तो आप प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ जाओ। आपके होस्टिंग के खर्चे आएंगे 149 रुपीज, जो कि बजटेबल है एंड बियरेबल है। लेकिन इसमें आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो कमाल की है, 100 वेबसाइट एंड फ्री ईमेल, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड SSL, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाती है। इवन फ्री डोमेन भी आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट डोमेन आपका फ्री होगा। 749 रुपीज का पेड डोमेन आपको फ्री में मिल रहा है अगर आप इनके प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान में जाते हो। साथ में ही आपको बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वेबसाइट लंबे टाइम तक सोच रहे हो कि बनाने की, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब होस्टर है और मार्केट में काफ़ी अच्छा इनका रेपुटेशन है और काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो ब्लॉगर है या ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हैं वो होस्टिंगर के साथ जाते हैं और होस्टिंगर को ही यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा खुद का वेबसाइट जो है वो होस्टिंगर पे है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो होस्टिंगर पे है। इन सब में जो फर्स्ट नंबर पे हमारे लिस्ट में है वो है ब्लू होस्ट। अब आप बोलेंगे होस्टिंगर की इतनी तारीफ कर दी, ब्लू होस्ट क्यों? तो अगर आपको प्रीमियम फीचर्स चाहिए और अगर आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए ब्लू होस्ट है। ब्लू होस्ट में अगर आप एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस के थ्रू, अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आप ब्लू होस्ट के साथ जा सकते हैं। ब्लू होस्ट होस्टिंगर से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ब्लू होस्ट 2001 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेके आज तक
ये एक प्रीमियम वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है और अपने क्लाइंट को ये काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स है और इनकी जो वेब होस्टिंग है थोड़ी कॉस्टली होती है कंपेयर टू मार्केट में जितने भी वेब होस्टर हैं उन सब से इनकी जो वेब होस्टिंग होती है थोड़ी सी कॉस्टली होती है। बट इसमें जो आपको मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें तीन प्लान इनका भी है। वन बेसिक है जिसमें 169 रुपीस से ये स्टार्ट करते हैं और इसमें आप एक वेबसाइट और 50 GB SSD यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आप यूज कर सकते हो, 100+ वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल कर सकते हो और डोमेन आपको 1 ईयर का आपको मिल जाता है फ्री में, साथ में ही वर्डप्रेस के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि कहीं और नहीं मिलते हैं और आपको SSL भी मिल जाता है, स्पीड बूस्टिंग CDN जो है वो भी मिल जाता है जो कि तकरीबन 4,500 का होता है अगर आप वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो आपको पता है, और साथ में वर्डप्रेस वेब होस्टिंग माइग्रेशन भी देखने को मिल जाता है, ईमेल मार्केटिंग टूल मिल जाती है, काफ़ी सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, साथ में ऑटोमेटिक डेली मालवेयर स्कैनर भी आपको मिल जाता है। 169 में ये एक प्रीमियम फीचर्स के साथ आपको एक पैकेज प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनको प्रीमियम सर्विस चाहिए वो ब्लू होस्ट के साथ जाते हैं। तो इनका जो कंट्रोल पैनल है वो भी काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, इजी तो नहीं बोलूँगा, यूजर फ्रेंडली है, यानी कि एक लेमैन अगर नॉर्मल अपने सिस्टम को सेटअप करता है उस टाइप से आप नॉर्मल एक वेब होस्टिंग सर्वर को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदा है अगर आप ब्लू होस्ट के साथ जाते हो और होस्टिंगर के साथ जाते हो। साथ में ब्लू होस्ट में आपको एक प्लस प्लान मिलता है जो कि 279 रुपीज़ का है और इसमें भी आपको अनलिमिटेड वेबसाइट का फीचर मिल जाता है, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज का फीचर मिल जाता है, 100+ वर्डप्रेस मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, यानी कि आपके वेबसाइट पे कितनी भी ट्रैफिक आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। होस्टिंगर में आपने जैसे देखा कि उसमें लिमिटेशन है 10,000, 1,00,000 इस टाइप की लिमिटेशन है, यहाँ पे वो लिमिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में ही काफ़ी सारे आपको अदर फीचर्स मिल जाते हैं, जो फीचर्स आपको बेसिक में मिल रहे थे उसके अलावा भी आपको यहाँ पे SEO ऑप्टिमाइजर वगैरह ये सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो आप ब्लू होस्ट के साथ जा सकते हो। इसी में एक रिकमेंडेड इनका प्लान है जिसका नाम है चॉइस प्लस और इनकी प्राइसिंग भी सेम है, 279 रुपीज पर मंथ है। इसमें आपको सेम सारे प्लस के फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं और साथ में आपको जो है डोमेन प्राइवेसी और डेली बैकअप का भी फीचर्स मिल जाता है, यानी कि वेबसाइट का डेली बैकअप का फीचर्स आपको मिल जाता है, 100+ फ्री स्टॉक इमेजरी लाइब्रेरी भी आपको इसमें मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है अगर आप मल्टीपल वेबसाइट रन करते हो, ब्लॉगिंग वगैरह ये सब अगर करते हो तो आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो, बिकॉज उसका भी यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और बैकएंड में आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह रन कर रहे हो और आपको प्रीमियम फीचर्स वगैरह चाहिए तो आप ब्लू होस्ट के साथ जा सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो और आपका नीश अगर जो है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी सारे नीशेस पे आप काम कर रहे हो, तो आप ब्लू होस्ट के साथ भी जा सकते हो। ये तीनों वेब होस्टिंग कंपनी जो है वो काफी अच्छी है, आप इन तीनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जो भी कंपनी आपको पसंद है, जिस भी प्लान के साथ जाना चाहते हो, आप उसके साथ जा सकते हो। और इंडिया में होस्टिंगर, ब्लू होस्ट और नेमचीप, ये तीनों ही काफ़ी अच्छा बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ में ही आपके वेबसाइट को कभी डाउन नहीं होने देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।